धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सिक्योरिटी। मुंबई पुलिस ने खंगाले 200 से ज्यादा सीसीटीवी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मिली धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने एक्टर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। 8 टीमें लगातार इस मामले की कड़ियों को खंगालने में जुट गई है। साथ ही बांद्रा इलाके में लगे 200 सीसीटीवी के पड़ताल के बाद कुछ संदिग्धों का पता चला है, लेकिन अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जिन सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है उसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट में लगे कैमरे भी शामिल हैं। इसके अलावा सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात कर इस मुद्दे पर अपडेट लिया है। हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से मुंबई सिटी देख रही है। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी उस चीज़ में सक्रिय स्वरूप से तहकीकात कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनुचित प्रकार मुंबई सिटी में चक्के जहाँ तक है वहाँ तक नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वासन सबको देना चाहूँगा। मुंबई क्राइम ब्रांच की 3 टीमों को इस मामले की जांच में लगाया गया है। जल्द ही एक टीम दिल्ली भी रवाना होगी। मुंबई पुलिस की टीम फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में मौजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। जरूरत पड़ी तो उसे रिमांड पर मुंबई भी लाया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि सलमान खान को मिली धमकी भरी चिट्ठी के आखिर में GB और LB लिखा हुआ है, जिसका मतलब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। लेकिन ये चिट्ठी वाकई में बिश्नोई गैंग से जुड़ी है या फिर किसी ने शरारत की है, ये इस मामले की जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी धमकी भरे लेटर को लेकर पूछताछ की है। रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में सलमान को धमकी भरा लेटर भेजने की बात से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि ना उसने कोई धमकी दी है और ना ही ऐसा कोई लेटर लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट।